हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही पॉपुलर सी स्वीट खीर जो लगभग सभी राज्यों में और सभी के घर में बनाई जाती है। थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा और नाम अलग होगा, लेकिन रेसिपी कहीं ना कहीं सेम है। चलिए शुरू करते हैं बनाना खीर। खीर बनाने के लिए हमें फुल फैट मिल्क यूज़ करना है और ये 1 लीटर दूध है और इसे हमें बॉयल होने देना। बर्तन बड़ा होने का कारण यही होता है कि दूध जैसे ही उबलेगा तो बाहर गिर के स्पिलेज के चांसेस होते हैं। अगर हम बर्तन बड़ा यूज़ करते हैं तो स्पिलेज और वेस्टेज कम होती है और हमारा काम मेस फ्री होता है। और दूध को हम रिड्यूस करेंगे जब तक 40% जैसा दूध जल ना जाए, यानी कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तब तक हम दूध को रिड्यूस करेंगे। और दूध को हम शिफ्ट करते हैं दूसरे गैस में और तब तक हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। इसे बॉईल करने के लिए मैंने लिया है 1/3 कप जितने चावल। चावल मैंने यहाँ तिबर बासमती यूज़ किया है क्योंकि मुझे इसकी टेस्ट और फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, तो मैंने बासमती चावल यूज़ किए हैं। इससे खीर का टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। सबसे पहले हम चावल को धो लेते हैं 2 से 3 बार। चावल को मैंने 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, लगभग 750 ml जितना पानी लिया है। और इसके बाद मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी और 3 विसल आने तक कुक करेंगे, क्योंकि हमें चावल ओवर कुक चाहिए। जितना चावल हम नॉर्मली पकाते हैं उससे ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए दाने। कई लोग चावल को दूध में डाल के फिर पकाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक बार चावल पानी में तो जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन दूध में पकने में उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं होता। इसीलिए मैं इसे कुकर में डाल के फिर पकाती हूँ, जिससे दाने जल्दी कुक हो जाते हैं और टाइम भी हमारा बचता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। फ्रेंड्स, 3 विसल हो गई है, चावल हमारे पक गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर में से हवा रिलीज होने का वेट करेंगे। और दूध बॉयल होते समय ये जो मलाई खट्टा होती है उसे आप स्पैटुला की मदद से पूरा निकाल लें और दूध के साथ मिलाते रहें और बीच बीच में चलाते रहें, जिससे दूध नीचे लगेगा भी नहीं और मलाई दूध के साथ मर्ज हो जाएगी और अच्छा गाढ़ा दूध हमारा तैयार होगा। और जब बहुत सारा मलाई खट्टा हो जाता है तो मैं बीच में एक बार इस विस्कर से भी चला देती हूँ, जिससे मलाई दूध के साथ अच्छे से मर्ज हो जाती है। अगर मलाई एकदम से अलग होने लगेगी तो हमें ठीक दूध नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, हमने जो दूध उबलने के लिए रखा था वो ऑलमोस्ट 40% जितना जल चुका है, यानी कि 60% जितना दूध बचा है। और इसका कलर भी हल्का सा क्रीम हो गया, ये गाढ़ा भी हो गया है और इसका कलर भी हल्का सा क्रीम हो गया है। अब हम दूध को इसी गैस में रख देते हैं और तब तक हमने जो चावल चढ़ाया था उसे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चावल भी बॉयल हो गए हैं, इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है हम थोड़ा सा निकाल देंगे। एक छन्नी भी रख लेती हूँ। एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है। अब ये चावल को मैं इसी कुकर में ले लेती हूँ और पानी को हटा देती हूँ और इसे मैं ये जो हैंड विस्कर है उसे चला दूंगी, जिससे दाने टूट जाए। हमें इसे एकदम मैश नहीं करना, जस्ट दानों को हमें तोड़ना है इस तरह से। इस तरह से ये दाने टूट चुके हैं लेकिन ये मैश नहीं हुए। अब बारी आती है चावल को दूध में डालने की। ये 600 ग्राम जितना दूध बचा है और इसका कलर भी हल्का सा क्रीम हो गया है।
अगर आप बिगनर है तो आप क्वांटिटी पहले ही मार्कर से मार्क कर दें, और जब इसमें 60% जितना दूध बचे तब आप जो चावल हमने पकाए थे वो ऐड करें। अब बारी आती है इसमें कुक किए हुए चावल डालने की, और दूध को रिड्यूस करने में मुझे 15 मिनट लगे हैं फुल गैस पर, इसीलिए बड़ा बर्तन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जिससे आप दूध को फुल गैस पर रिड्यूस कर सकें। और अगर बर्तन छोटा है तो आपका दूध स्पिल होगा, वेस्ट होगा, और आपका काम भी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। और एक बार चावल डालने के बाद आप फिर से विस्कर से इस तरह से चला दें जिससे चावल दूध के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची और 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से टेस्ट मावेदार और बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ केसर। हमें बहुत ज़्यादा येलो कलर नहीं चाहिए, लेकिन केसर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे मैंने मोर्टर और पेस्टल में थोड़ा सा पीस लिया और इसे भी आप चला लें। फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे कुछ नट्स, जिसमें मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता, और ये 2 चम्मच जितना है, और इसे भी आप मिला लें। तो फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके रेडी है। आप इसे गर्म तो सर्व कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ठंडा करती हो तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और ये बहुत ही अच्छा डेजर्ट लगता है। खीर को मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी और भी अच्छे से थिक हो गई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया। अब हम इसे सर्व कर देंगे। और इसे हम गार्निश करेंगे कुछ नट्स के साथ। तो फुली फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लिए। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।